उलेमा काउंसिल की ओर से, उलेमा संगठन की ओर से बाकायदा 17 मांगों के साथ समर्थन की बात कही गई है और यह कहा गया है कि शरद पवार जी ने उसे स्वीकार भी कर लिया है। क्या कहेंगे आप, क्या आपकी पार्टी भी जो कि एक अहम हिस्सा है इसे मानती है? सबसे पहले तो मुझे नहीं पता ये इस प्रश्न कहां से उठ रहा है, क्योंकि मैंने ये कोई उलेमा काउंसिल का स्टेटमेंट नहीं पढ़ा है और ना मुझे कोई 17 मांगों की पता है। और रही बात महाराष्ट्र के मुद्दों को लेकर, हम महाराष्ट्र के मुद्दे हर स्टेज पर हम बात कर रहे हैं, जो महाजूठी गठबंधन है उसके बारे में उजागर कर रहे हैं और ये बार बार हिंदू मुसलमान के विवाद में हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हम मानते नहीं है कि यहाँ पे बांटो काटो और लूटो की राजनीति चले। एकजुट होकर जीत कर, एकजुट होकर जीत कर हमें लड़ाई लड़नी है। यानी आरएसएस पर बैन की मांग जो की गई है, मुस्लिमों को आरक्षण देने की मांग जो की गई है, आप उसे खारिज कर रही हैं, उसे नहीं मानेंगे? ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा भाई साहब, मैंने, मुझे नहीं पता ये उलेमा काउंसिल का लेटर फेक है कि असली है, ये भी मुझे नहीं पता है। तो मुझे नहीं पता आप कौन सी मांगों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मांगे शिवसेना के सामने नहीं आई है और ना हमारी इस पे बातचीत हुई है, ना कोई हमसे आकर मिला है, ना हमने किसी को ये समय दिया है। ये हम इस चर्चा पे करें जहां बंटवारे की बात करें, ये बांटने काटने और लूटने की राजनीति जो है, महाजूठी गठबंधन को मुबारक हो, भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो, ये जवाब दीजिए। राजनीति से हम दूर है। महाराष्ट्र शिवसेना का ये कहना है कि भाई हमें कुछ मालूम नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि शरद पवार ने इसे स्वीकार कर लिया है, ये दावा किया जा रहा है उलेमा काउंसिल की ओर से, ये क्या रणनीति है? देखिए, थोड़े पार्टीज हैं जो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, थोड़े पार्टीज हैं जो सिर्फ अपने विचारधारा को खो बैठे हैं और वो आगे चलते हैं कोई भी दिशा में सत्ता के मोह माया के लिए। तो मैं ये कहूँगी पहले उनको अंदरूनी देखना चाहिए कि उनके जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनका क्या बयान है, उन्होंने क्या कहा और उलेमा को कैसे लॉलीपॉप दे रहे हैं। मैं कहूँगी कि तुष्टीकरण की राजनीति तो किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन ये वो शिवसेना उबाटा सेना हो या फिर शरद पवार जी के एनसीपी हो या कांग्रेस, जिन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति 7 साल से की है, सिर्फ मुसलमान और दलित को एक वोट बैंक तक सीमित रखा है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से लोग जानते हैं कि जो वोट करना है तो एकता, जो प्रधानमंत्री ने कहा बिल्कुल सही कहा, अनेकता में एकता, लेकिन वो एकता के लिए वोट करना है क्योंकि वो एकता है, प्रतीक, वो एक सिंबल है। जी, और जब कई एनजीओज हैं जो कि मुस्लिम एनजीओज हैं जो कि ये कर रहे हैं कि भाई क्वेश्चनियर जारी किया गया है, ये ऐ ईमान वालों आप किसको वोट दोगे किसको नहीं दोगे, और आखिर में महाविकास आघाड़ी की बात कही गई है, उन एनजीओज की ओर से बाकायदा प्रचार चलाया जा रहा है, तो क्या महायुति बनाम मुसलमान करने की कोशिश है? देखिए, महायुति को कोई फेक नैरेटिव चलाने की आवश्यकता नहीं, कोई तुष्टिकरण करने की आवश्यकता नहीं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास का मतलब ये है कि हम सब चाहते हैं कि प्रगति। जब एकनाथ शिंदे जी ने लाड़की बहना योजना, जहां 2.5 करोड़ महिलाओं को 7,500 मिलता है बैंक अकाउंट में, मेरे क्षेत्र मुंबा देवी में की बात करें तो 40,000 महिलाओं को मिला है ये लाभ, इसमें से 15,000 है मुस्लिम महिला। कौन कर रहे हैं तोड़फोड़ की राजनीति, हम कभी नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ ये एक लो हैंगिंग फ्रूट्स दिखाते हैं और अपनी तुष्टीकरण करते रहते हैं। ठीक है, तुष्टीकरण का आरोप प्रियंका चतुर्वेदी जी आपके महाविकास आघाड़ी गठबंधन पर लगाया जा रहा है, जवाब दीजिए। उबाटा सेना और कांग्रेस के बीच में क्या चल रहा है? चंदन जी, देखिए मैं इनकी सुन रही थी, अब ये बोले चली जा रही है, आपको उनको रोकना पड़ेगा ना। देखिए, मैं एक दूसरे के ऊपर बातचीत नहीं करना चाहती। देखिए प्रियंका जी, आप तो महिला का सम्मान भी नहीं कर सकते हैं। मैंने हमेशा आपकी, अरे यार जी, शास्त्रार्थ है, एक के बाद एक, जस्ट राइज अबव द ओकेजन। जी बिल्कुल, शास्त्रार्थ है, यानी आपने जो बातें कही उस पर जवाब देंगे प्रियंका जी, जवाब दीजिए मैम। नहीं नहीं, एक सेकंड चंदन जी, ऐसा है कि हर चीज ही महिला सम्मान से क्यों जोड़ती है? मैं खुद एक महिला हूँ, मैं बातचीत कर रही हूँ, इसमें क्या मैंने महिलाओं की बेइज्जती कर दी? जस्ट बिकॉज आई एम टेलिंग हर टू स्टॉप टॉकिंग, क्योंकि सवाल आपने मुझसे पूछा है, तो महिला की बेइज्जती हो गई? जाने मैं तो, ये लोग तो, ये हालत है, ये लोग एफआईआर दर्ज कर देते हैं अगर कोई बलि का बकरा भी कह देते हैं वो। मैं आपसे बात, देखिए चंदन जी, अगर डिबेट करनी है शायना जी, तो मैं डिबेट नहीं, ठीक है, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर मेरे मन में सवाल है, आप दोनों से मैं इस पर सवाल लूंगा प्रियंका जी, लेकिन जो बातें कही गई है, आरोप आप लोगों पर लगाए गए हैं उस पर रिस्पॉन्ड करें मैम। शायना जी, सबसे
सबसे पहले तो आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं डिबेट में ना तूतू मैं करने नहीं आती हूँ। जी बिल्कुल सही, मैं डिबेट में पक्ष रखने आई हूँ। अगर आप सवाल पूछेंगे मैं आपका बकायदा जवाब दूंगी। बिल्कुल चंदन जी, ऐसा है कि जब कल मैंने डिबेट को हाँ कहा था, मुझसे कहा गया था ये महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे को बात होगी कि महिलाओं पे किस तरीके की महिलाओं की राजनीति में साक्षात्कारी होगी और उनका रिप्रेजेंटेशन होगा। पर चलिए, आपने मुझे कुछ उलेमा को लेकर सवाल पूछा जो इसके बारे में मैं जानती नहीं हूँ, जो मुझे पता नहीं है, और शिवसेना जो हमारी पार्टी रही है उन्होंने कभी इस पर विश्वास नहीं रखा है कि हम लोग बंटवारे की राजनीति करें। डिवाइड एंड रूल ब्रिटिशर्स छोड़कर गए थे देश में, और 1980 के दशक में जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है वो धरोहर उन्होंने अपनाई है और पूरे देश में ये बंटवारा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में ओबीसी बना मराठा किसने किया? धनगर कम्युनिटी वर्सेस बाकी ट्राइबल कम्युनिटीज किसने किया? हिंदू मुसलमान दिन रात इनके जबान पे रहता है, इनकी पूरी षड्यंत्र राजनीति ही इस पर आधारित है। तो मैं इस पे क्या जवाब दूं? मुझे क्या पता किस चिट्ठी के बारे में? अब आप मुझे ये सवाल करिए कि इनके आरोप, तो ये लोग कुछ भी आरोप लगाते रहते हैं, बलि का बकरा भी अगर कह दो आजकल वो उस पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। मैंने कुछ ही दिन पहले मिलिंद देवरा से एक इंटरव्यू चल रहा था, उसके एंकर कहते हैं कि आप बलि का बकरा बना दिए। अरे प्लीज यार, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, आप मेरे बीच में मत बोलिए। आरक्षण को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, महिला सम्मान से जोड़ने मुद्दे पर आप जवाब दीजिए। बात नहीं करना, कोई अपने भ्रष्टाचार की बात नहीं करना, कोई अपने लूट की बात करना। 1 लाख करोड़ 11 दिन में पास हो जाता है गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के माध्यम से, कोई उस पर सवाल नहीं उठा रहा है। कोई ये सवाल नहीं उठा रहा है कि महाराष्ट्र में जब फाइनेंस सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता है कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, यू हैव ओवरशॉट द टारगेट, कोई उसके बारे में कोई टेलीविजन चैनल एक एक करके मुद्दों पर आएंगे ना, जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर पर आएंगे, सारे रिस्पांस करना चाह रहे हैं आपके जो आर्थिक मुद्दे उठाए हैं साइना जी, इस पर जल्दी से रिस्पांस करें, फिर कोई सवाल क्यों करेगा। अरे आप महाराष्ट्र के मुद्दों पर चर्चा करिए, ठीक है, महाराष्ट्र के मुद्दों पर चर्चा करिए, महाराष्ट्र से जो इंडस्ट्रीज बाहर जा रही है उससे बात करिए, जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है महाराष्ट्र में उसके बारे में बात करिए, फिर मैं आपसे बात करने को तैयार हूँ। किसी ने चिट्ठी बना दी, चिट्ठी भेज दी किसी के पार्टी ऑफिस में, उस पर पूरी चर्चा हो जाए, ये मेरे लिए मान्य नहीं। ठीक है मैम, आप सिर्फ साइना जी, चंदन जी आप पत्रकार हैं, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, आप उलेमा पे सवाल पूछ सकते हैं, आप महाराष्ट्र के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं, और हम सभी सवालों का जवाब देते हैं। बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं दो चीज कहना चाहती हूँ जो आपको सुनना चाहिए और आपके दर्शकों को सुनना चाहिए। तुष्टिकरण की राजनीति जो है वही पार्टीज करते हैं जो दबे हुए वर्ग को एक वोट बैंक के रूप में देखते हैं। 60 साल से कांग्रेस पार्टी यही करते आए हैं, और अभी ये उबाटा सेना जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि उनको पता नहीं उलेमा ने क्या कहा या कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा, ये कांग्रेस और उबाटा सेना के बीच में कोई तालमेल नहीं है, सिर्फ सत्ता का मोह माया है। मैं आपको कहूं कि हम प्रगति के लिए यहां आए हैं। जो लोग कहते हैं कि अरे हिंदुत्व का नारा, हाँ हिंदुत्व का नारा है जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन, हाँ हिंदुत्व का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास, और उसी दृष्टि से हम काम करेंगे। Zine.